हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर्यांश द्विवेदी। मेरा नीट 2020-21 में एक्सपेक्टेड स्कोर है 656। मेरा नीट 2020 में स्कोर था 551। कुछ जर्नी ऐसे शुरू हुई थी कि मैंने 12th पास किया, उसके बाद डायरेक्टली अटेम्प्ट दिया बिना किसी किसी प्रिपरेशन के, तो मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आया। फिर मैंने एक और बार तैयारी करके कोई और इंस्टीट्यूट में टेस्ट दिया, लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं की, वो थी टेस्ट सीरीज़ और उसकी प्रैक्टिस, जो हमें बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए। तो मेरा स्कोर 551 रह गया। फिर मैंने सिंह सर से बात की, उन्होंने मेरे को गाइड किया और बोला कि न्यू लाइट में SRB बैच ज्वाइन करें, क्योंकि SRB बैच में हम लोग के साथ जो भी स्टूडेंट्स थे वो सब अच्छे स्टूडेंट्स थे और उन लोग का स्कोर बहुत अच्छा था, मतलब जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक गया था। तो हम लोग को एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, जिसमें ज्ञानी सर थे, अमरीश सर थे, मिश्रा सर थे, शैलेन सर थे और डॉक्टर SP सिंह सर, तो हम लोग के मेंटर थे ही, और उन लोग ने हम लोग को बहुत अच्छे से एक तरीका दिया पढ़ने का, जिसके वजह से हम लोग का जो बैच है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसमें 90-95% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सो नीट 2022 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन करें, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ हम लोग मिस कर देते हैं वो है हेल्थ और स्लीप, क्योंकि अगर आप हेल्थ को मिस करते हैं तो आपके बहुत दिन बर्बाद हो जाएंगे, और अगर आप स्लीप को सही से नहीं मेंटेन करेंगे, स्लीप शेड्यूल, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा और जो आप पढ़ेंगे वो सब बर्बाद जाएगा। तो इन दो चीज़ पे खासकर ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना था तो बहुत बच्चों को कोरोना हो गया, मेरे को भी कोरोना हो गया था, लेकिन हम लोग की जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल नहीं रुकी, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया और लास्ट तक सर ने, बाकी सब टीचरों ने हम लोग का बखूबी साथ दिया, और हम लोग की ऑफलाइन प्रैक्टिस भी चलती रही, जिसके वजह से हम लोग को नीट 2021 में लास्ट में जो हम लोग ने पेपर दिया उसमें खासी कोई दिक्कत नहीं आई। सो इसलिए ऑल द बेस्ट टू नीट 2022 एस्पिरेंट्स। थैंक यू।